Violence likes me. हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिल्म KGF 2 के बारे में। ये फिल्म अब तक 700 करोड़ का बिजनेस क्रॉस कर चुकी है। फिल्म के जो हीरो है यश, जिनका असली नाम है नवीन कुमार गौड़ा, काम ही ऐसा दमदार किया है उन्होंने। बड़ी बात तो यह है कि यश के फैमिली से कोई भी फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग नहीं करता। उन्होंने इस फिल्म में रॉकी किरदार को काफी अच्छी तरह से निभाया है। KGF 2 को काफी पसंद भी किया जा रहा है। मूवी के प्रेजेंटेशन में काफी ध्यान दिया गया है। VFX और CGI काफी बढ़िया है। कैरेक्टर के लुक्स और डायलॉग्स को काफी पसंद किया गया है। बात यह है ना दोस्तों, पब्लिक जिस तरह का कॉन्टेंट देखना पसंद करती है, वो अगर आप देते हो तो उससे क्या होता है, पब्लिक भी खुश, डायरेक्टर भी खुश और प्रोड्यूसर डबल खुश। KGF 2 में इमोशन कम और एक्शन, ड्रामा और थ्रिलर को दबा के दिखाया गया है, उसी को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। रॉकी का लुक्स, उसकी दाढ़ी, बाल, उसके कपड़े ने इस फिल्म को चार चांद लगा दिए हैं। संजू बाबू का खतरनाक लुक लोगों को काफी पसंद आया। रवीना टंडन भी कोई पीछे नहीं रही, उन्होंने भी काफी टक्कर की एक्टिंग की है। डायरेक्टर प्रशांत नील, उनकी मेहनत साफ दिखाई देती है। काफी बेहतरीन फिल्म तैयार की है उन्होंने और उनके चार साल की मेहनत का फल भी उनको मिल गया है बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ के। KGF फिल्म पैसा वसूल फिल्म साबित हुई है। कम से कम दो बार तो आप देख ही सकते हो। आपको फिल्म थिएटर में ही जाके देखनी चाहिए। उसके ऑडियो विजुअल इफेक्ट थिएटर में ही आपको जबरदस्त फील आएगी। अब बात करते हैं डायरेक्टर के डायरेक्शन की। बहुत ही बढ़िया डायरेक्शन किया है इस फिल्म में। बैकग्राउंड म्यूजिक काफी बढ़िया दिया गया है और 3.5 घंटे का फुल लॉन एंटरटेनमेंट है। और आपको बता दूं कि संजू बाबा की ये पहली फिल्म है जो साउथ में बनी है और इसका प्रीमियर ग्रीस में हुआ है। फिलहाल साउथ के फिल्मों के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं, पहले बाहुबली, फिर पुष्पा, फिर RRR और अब KGF। अगर आपको एक्शन थ्रिलर फिल्म पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए है। इस फिल्म में आपको ऑल इन वन कॉम्बिनेशन मिलेगा। KGF ने अपने सारे हेटर्स और क्रिटिक को चुप करा दिया है। 100 करोड़ की लागत से बनाई गई हुई ये फिल्म अब कई गुना ज्यादा कमा चुकी है। डायरेक्टर प्रशांत नील ने जब यश की गूगली मूवी देखी तो वो काफी इम्प्रेस हो गए और इस तरह से KGF यश को मिल गई। KGF 2 में यश ने अपने डायलॉग खुद लिखे हैं। कन्नड़ा फिल्म होते हुए भी पूरे देश में इस फिल्म को काफी पसंद किया गया है। प्रशांत नील इस फिल्म का डायरेक्टर तो है ही, उन्होंने इस फिल्म को लिखा भी है और इसमें इन्हें 2 से 3 साल लगे हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी हैंडल की है भुवन गौड़ा ने और उन्होंने उनका काम काफी अच्छी तरह से किया है। फिल्म की शूटिंग कोलार गोल्ड माइन में भी शूट हुई है और उनके लिए ये काफी टफ था और काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा था उनको। KGF में गरुड़ा का कैरेक्टर रामचंद्र रजू ने निभाया है और KGF 1 उनकी डेब्यू फिल्म थी और पब्लिक ने गरुड़ा का कैरेक्टर को काफी पसंद भी किया है। रामचंद्र राजू रियल लाइफ में यश के बॉडीगार्ड थे। डायरेक्टर प्रशांत नील ने रामचंद्र राजू को यश के साथ स्क्रिप्ट रीडिंग के वक्त देखा था। KGF 2 ने पहले दिन के कलेक्शन में काफी सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं और KGF 2 अब काफी बड़ा ब्रांड बन चुका है। इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में रिलीज किया गया है और कहा जाता है कि ये फिल्म 1500 करोड़ का आंकड़ा भी जल्द ही पार कर देगी। काफी सारे लोग शायद ये नहीं जानते कि यश के पिता एक बस ड्राइवर थे और वो अपने बेटे से काफी प्राउड फील करते हैं। अगर आप इस वीकेंड कोई धमाकेदार फिल्म देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आप जरूर देखिए। अगर आपने KGF 2 देखी है तो मुझे जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी। ऐसे भी कहा जाता है कि KGF 3 भी आने वाली है, लेकिन वो आते आते थोड़ी सी देर हो सकती है क्योंकि डायरेक्टर नील और यश किसी और प्रोजेक्ट में अभी फिलहाल बिजी है। और कहा जाता है कि KGF 3 KGF 2 का भी बाप होने वाली है, यानी एक से बढ़कर एक। आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट जरूर करिए। चलिए तो आप KGF 2 एंजॉय कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले रिव्यू में। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि आपको अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए गुड बाय और हैव अ नाइस वीकेंड।